अपने अंदर चलते हैं। ठीक है ठीक है। स्पेशल बच्चे जो हैं ये हमारा एक बहुत कीमती सरमाया है, अगर इनको सोसाइटी को अवेयरनेस दे तो ये भी एक फाल रुकन बन सकते हैं। अजीब देखा कि काफी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आपने यहाँ पे विजिट भी किया, तो कैसा टैलेंट देखती हैं आज के नौजवान नस्ल? अमेजिंग माशाल्लाह। अगर आपके पास कोई हो तो मैं चाहूंगी कि इनके बैंड का भी आप जरूर, अनबिलीवेबल। वो ड्रमर जो है उसका एक बाजू है, तो ये इन बच्चों को अगर आप सही ट्रैक पे और ट्रेनिंग पे ले आए तो कम अज कम ये डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और मेरी तमाम वालदैन से गुजारिश है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफा होता है, तो प्लीज़ इनको छुपा के मत रखें, इनके लिए काम करें और इनके लिए भूल जाएं कि ये डॉक्टर इंजीनियर इनको एक बेहतरीन इंसान जैसे ये आर्ट है, ये अमेजिंग है, इनमें इनको एक्सेल करने दें। जिस चीज़ आप पैट्रियोटिक मैसेज देना चाहेंगे, मुहिब्बुल वतनी का कोई मैसेज दें आखिर में? मुहिब्बुल वतन, ए वतन तुझ पे अगर जाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगी, ठिकाने लगा सरमाया इतन, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, ट्रस्ट पाकिस्तान के लिए काम करता, किसी पॉलिटिकल फोरम पे काम नहीं करता। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका हौसला और आपका दोस्त नुमान मलिक, आज तीसरा और आखिरी रोज़ है दी ट्रस्ट स्कूल सिस्टम के जरिए तमाम बहुत खूबसूरत एक्टिविटी का इनका किया गया। हमारे साथ सीईओ साहिबा मौजूद है, साहिरा ताहिर साहिबा फाउंडर ट्रस्ट से, आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद, आज भी पूर्वकार तकरीब का इनका किया गया, तीसरा और आखिरी रोज़ है दी ट्रस्ट स्कूल सिस्टम के एग्जीबिशन का, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी जी, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने अंदर के जो चीज़ें हैं उसको बाहर लाना चाहिए, और अवेयरनेस है, ट्रस्ट का मकसद ही यही है कि तालीम व तरबियत और इल्म व हुनर, और उसके साथ मुआशरे में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं, चाहे वो किसी हवाले से हो चाहे वो का। जो ये इवेंट है, ये हमारा तीन रोज़ा इवेंट चल रहा था जिसमें हमने मेगा आर्ट इवेंट अरेंजमेंट की हुई थी, और इसमें हमारे पास डिफरेंट, पहले दिन डिफरेंट स्कूल्स थे जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेशन की और बहुत सारे स्कूल्स ने विन किया। अराउंड 36-37 स्कूल्स थे जो हमारे साथ इन टच थे। फर्स्ट डे, सेकंड डे हमारा अपने जो इंटर कैंपसेस है उनके कंपटीशन थे, हमारे डिफरेंट कैंपसेस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग्स, पोस्टर्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, और देन वी हैव फाइनलाइज द विनर्स। एंड टुडे लास्ट डे है हमारे इस मेगा आर्ट इवेंट का, और आज हमारे पास स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे और डिफरेंट ड्राइंग्स, पोस्टर्स एंड इसी तरह रिसाइकल्ड मटेरियल से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एंड देन हम कोशिश करेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स को हम सर्टिफिकेट्स दे सके। आज भी अराउंड 150 के करीब बच्चे हैं जो हमारे साथ इन टच हैं, और मुल्क की नामवर शख्सियात हमारे साथ इन तीन दिनों में इन टच रहीं। हम बीइंग अ ट्रस्ट ट्रस्टियन और ट्रस्ट की एक मेंबर होते हुए, एक हेड होते हुए, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम कलीग्स की, अपने ओनर की, सीईओ की, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट एक अरेंज किया। एंड सेकेंडली मैं थैंकफुल हूँ तमाम स्कूल्स का, तमाम स्पेशल नीड स्कूल्स का, हमारे अपने बच्चों का, कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने तमाम वो तमाम क्वालिटीज़, अपनी तमाम एबिलिटीज शो की और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द होल टेक्स टीम एज वेल एज टू ऑल द स्कूल्स एंड पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, और हमारे कंट्री के अंदर जो आने वाली नस्ल है वो भरपूर टैलेंटेड बच्चे हैं, और उन्हीं बच्चों में हमारे अपने ट्रस्ट स्कूल के भी बच्चे शामिल हैं, और उम्मीद करते हैं ये वो बच्चे हैं जो कि आगे चल के मुल्क की बागडोर्स संभालेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और इंशाल्लाह मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला इन सब बच्चों को तौफीक दे कि आगे चल के मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो वेरी मच।
जी आज का इवेंट बहुत स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए अरेंज किया गया है। ये वो हमारी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसको हमारी ज़्यादा केयर और ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। कोशिश हमारी ये है कि इनके अंदर का टैलेंट, इनके स्किल्स, उनको हम जितना उभार सकते हैं उसको हम उभारें और इन बच्चों को हम सोसाइटी के फ़ाल रुकन बनाएं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ललमा खान है, एलकेएफ वेलफेयर फाउंडेशन की हेड हूँ और स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और आज मैं आई हूँ यहाँ पे, ट्रस्ट स्कूल वालों ने बहुत बड़ा स्पेशली एबल्ड बच्चों के सारे के स्कूल्स को ऑल ओवर पंजाब से इनवाइट किया है और उनका आर्ट कंपटीशन है और मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड और बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है और इनको इनकरेज किया है, बल्कि हम जो अपनी एफ़र्ट्स करके ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनको भी बड़ा हौसला अफजाई मिली है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अब्बास, मैं दिटर स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा मेगा आर्ट इवेंट मुनक़द किया है जो कि अलहमरा में 3 रोज़ से जारी है, आज इसका 3रा रोज़ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आज स्पेशल स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि आपको पता है कि किसी न किसी तरह से उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल ने एक ऐसी एक्टिविटी मुनक़द की है जहाँ पर उन बच्चों के अंदर वही टैलेंट देखा जा रहा है जो आम बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, खुशी है तेरी छुट्टी
Yeah.